नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ महिलाओं का एक बहुत कॉमन परेशानी है, बहुत कॉमन बीमारी है जिससे वह बहुत परेशान रहती हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ से अक्सर वो कन्फ्यूज़ भी रहती हैं अन डिजीज़ से, अन बीमारियों से। तो साथियों, सबसे पहले चलते हैं, बताते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होता क्या है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, स्वेलिंग होती है। यानी महिलाओं के जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जब उनमें सूजन कलेक्टिवली आ जाती है, किन्हीं 2-4-3 ऑर्गन्स की आ जाती है, तो उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी PID आपके सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी, इन चार बॉडी पार्ट्स को, रिप्रोडक्टिव फीमेल पार्ट्स को इफेक्ट करता है और स्वेलिंग ले आता है। फिर साथियों, दूसरी चीज़ आती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसका यही होता है कि आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होता है तो आप समझ लें कि कहीं ना कहीं पूरा पेल्विस का इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व है जो आपको तकलीफ दे रहा है। इसके अलावा अपर एब्डोमेन में भी पेन हो सकता है, साथ में आपका यूरिन ऑफेंसिव हो जाता है, वजाइनल डिस्चार्जेस ऑफेंसिव हो जाते हैं, आपका जो क्वेश्चन होता है, इंटरकोर्स होता है, वो पेनफुल हो जाता है, आपको टाइडनेस बनी रहती है, आप फीवरिश महसूस करते हैं। यह सब दिक्कतें होती हैं जो आपके सिम्टम्स होते हैं जिससे आप जान लें कि हो सकता है आपको PID हो। दूसरी बात आती है कॉजेस की, इसके कॉजेस क्या हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिशन डिजीज़ के बैक्टीरिया जो कि मेनली क्लेमाइडिया या गोनोरिया निसरे होते हैं, यह जो है आपको वजाइना को इन्फेक्ट करते हैं। काफ़ी वक्त तक ये वजाइना में बना रहता है, फिर ये बैक्टीरिया और अंदर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फैलता है और यह ही PID का कॉज होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का कॉज होता है। साथियों, अब बात आ जाती है कि इसको ठीक कैसे करा जाए। इसके लिए हम आपको 10 बेहतरीन कारगर होम्योपैथिक दवाएँ बताएँगे। दवाएं बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इन दवाओं को आप जानकारी मात्र के तौर पे लें, इसको इलाज मात्र के तौर पे ना लें। इलाज के लिए दवाओं को, जो भी आपके लिए मुफीद दवाएं हों, उनको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब कराकर ही लें, क्योंकि हो सकता है जो दवाएं हों इसके अलावा कोई दवा आपको सूट करे ये ना करें। तो साथियों, चलते हैं, आपको 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं से रूबरू कराते हैं, आपके सामने रखते हैं, जो आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में बहुत फ़ायदा देंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट दवा साथियों पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की उस स्थिति में है कि जब आपके लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, क्योंकि यही PID का मेन सिम्टम होता है। तो अगर आपके लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो इसकी सबसे कारगर दवा है सीपिया। सीपिया सक्कस 30 पावर में 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार ले सकती हैं। जब आपके लोअर एब्डोमेन में, पेट के निचले भाग में, निचले हिस्से में बहुत पेन हो रहा हो और लगे कि बच्चेदानी बाहर आ जाएगी, यूट्रस का बियरिंग डाउन सेंसेशन होता हो, चलने में और तकलीफ बढ़ती हो, आपको एक दुख और एक गम रहता हो, अपनी तकलीफ की एक परेशानी में महसूस करते हो, तो आपकी दवा सीपिया है। फिर एक स्थिति साथियों इसमें आती है कि जब आपके वजाइनल डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, PID विथ वजाइनल डिस्चार्जेस। तो अगर आपका पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है और उसके साथ आपके वजाइनल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तो इसकी बहुत कारगर दवा है मर्सॉल। मर्सॉल 30 2-2 बूंद आप दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब यह डिस्चार्जेस बहुत बर्निंग है और आपको यूरिन में भी जलन होती है। तो समझ लें कि आपकी दवा, जो PID के कारण आपका वजाइनल डिस्चार्जेस आ रहे हैं, उसकी दवा मर्सॉल है। यह आपको पूरी तरह ठीक कर देगी, ऐसी उम्मीद करी जा सकती है। एक स्थिति आती है, आ सकती है PID में, जब आपके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो और आपके पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग आ रही हो, आपका जो पीरियड का डेट है उससे पहले बीच बीच में ब्लीडिंग आ रही हो। तमाम लेडीज़ इसका शिकायत करके क्लिनिक हमारे आती हैं, तो इसकी बहुत ही कारगर दवा है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस 1000 पावर में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले लें, तो आपका
पीरियड्स के बीच में पीआईडी होने की स्थिति में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होने की स्थिति में, मेंसेस के बीच में ब्लीडिंग होने पे यह बहुत कारगर होती है फास्फोरस, और आपको यह बहुत फ़ायदा दे देगी। और एक चीज़ और इसमें सिम्टम होता है, आपको वीकनेस बहुत महसूस होती है। जो फास्फोरस का पेशेंट होता है उसको वीकनेस बहुत महसूस होती है जब उसके वजाइनल डिस्चार्जेस की शिकायत उनमें आती है। और बेसिकली मरीज़ की तकलीफ़ें, फास्फोरस के मरीज़ की तकलीफ़ें शाम के वक्त बढ़ती हैं। जब शाम को 4-5 बजता है तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। एक स्थिति साथियों आती है कि जब आपके पीआईडी हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो, और आपको उसके साथ ही हैवी ब्लीडिंग हो रही हो। अगर आपके हैवी ब्लीडिंग हो रही है, वो आपके चलने से और तकलीफ बढ़ रही है, फ्लो और बढ़ा जा रहा है, तो इसके लिए सबाइना से अच्छी कोई दवा नहीं हो सकती। आप सबाइना 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, तो जो आपकी हैवी मेंसेस है ड्यू टू पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो कि आपके अल्ट्रासाउंड जब भी आप कराएंगे आ जाएगा, उसके लिए सबसे मुफीद कारगर दवा उस स्थिति में सबाइना है। एक स्थिति साथियों आती है कि मेंसेस बहुत पेनफुल होता है। जब आपको पीआईडी हो गया, पीआईडी विद पेनफुल मेंसेस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज विद पेनफुल मेंसेस, तो अगर आपको यह दिक्कत है कि आपको डिसमेनोरिया हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है आपके पीरियड के दौरान, तो इसकी दवा मेडोराइनम है साथियों। मेडोराइनम 200 आप 2-2 बूंद अगर दिन में 3 बार ले लेते हैं, तो आप उस पेन में बहुत आराम पा जाएंगे जो हैवी पेन आपके ब्लीडिंग के दौरान ड्यू टू पीडीआई हो रहा है, इस पीआईडी हो रहा है, इसमें आपको बहुत रिलीफ मिल जाएगा। एक स्थिति आती है जब आपके पीआईडी हो और आपको इंटरकोर्स में तकलीफ हो रही हो, जब आप इंटरकोर्स करती हो तो आपको तकलीफ होती हो, तो अगर आप इस रिलेशनशिप के टाइम पे आपको पेनफुल हो रहा है और आपके पीआईडी है, तो इसकी दवा क्रियोजोट है। आप क्रियोजोट 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप पाएंगे कि आपका यह पेनफुल जो पेनफुल क्वेश्चन होता है, पेनफुल इंटरकोर्स होता है, यह ठीक हो जाएगा और आपको पीआईडी का इफेक्ट आपके इस समस्या पे नहीं आएगा। इसके अलावा साथियों एक और बहुत कारगर दवा है पीआईडी की उस स्थिति में कि जब आपके फॉर्मिकेशन हो रहा हो, पूरे बॉडी में चीटी ऐसी रेंग रही हो। कभी कभी मरीज आते हैं, शिकायत करते हैं कि उनके चींटी ऐसी रेंग रही है, उससे उसको चुभन हो रही है। यह स्थिति साथियों अगर आप अपने में पाते हैं पीआईडी के साथ, तो इसकी और आपको प्यास नहीं लगती है, तो एपिस 30 इसकी दवा है। आप एपिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम ले लें, आपको इसमें बहुत आराम मिल जाएगा। जो पीआईडी हो रहा है ड्यू टू फॉर्मिकेशन, ड्यू टू ये चीटी रेंगने वाली कंडीशन से, तो उसके लिए आपको एपिस 30 आपको मुफीद दवा है। फिर एक स्थिति आती है कि यूट्रस वीक हो गई है। जब आपके पीआईडी हुआ, पेल्विक इन्फ्लेमेशन रहा काफ़ी दिन तक, तो यूट्रस वीक हो गई। बहुत लोग शिकायत करते हैं इस बात की, डॉक्टर्स भी उसके बारे में कोई कमेंट लिख देते हैं, तो अगर वो स्थिति हो और उसके साथ आपको पीआईडी हो, तो इसकी दवा साथियों सिकेल कौर है। आप सिकेल कौर 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले लें। जब आपके यूट्रस में वीकनेस आ गई है लगातार पीआईडी होने से और आप अपने में उसके लिए तकलीफ महसूस करते हैं। इसके अलावा इसकी और बहुत अच्छी दवाएं हैं, जैसे लीलियम टिक हो गई, काली कार्ब हो गई, ज़ैंथोज़ाइलम हो गई, यह सब इसकी बहुत कारगर दवाएं हैं जो कि सिम्टम के हिसाब से आपको दी जा सकती हैं। ये आपके लिए कुछ दवाएं थी पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो कि आप अक्सर और बीमारियों के साथ कंफ्यूज रहती हैं, उसको दूर करने के प्रयास के साथ। मैं फिर आपको बता दूं, यह आपकी जानकारी के लिए है, यहाँ पे बताए गए सिम्टम हो सकता है आप में भिन्न हो, तो आपकी दवाएं भिन्न हो, तो बिना किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के कोई दवा ना लें। ये एक होम्योपैथी के अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम है, इसको उसी तरह लें। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में आप लिख के हमको लिख सकते हैं, हम आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास करेंगे, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर आप व्हाट्सएप कर सकती हैं हमको। कोशिश करेंगे कि आपके संतोषजनक जवाब आपको दिया जा सके।
अगर आपको यह प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा हो, इससे आपको लगा हो इससे समाज को लाभ पहुंच सकता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको आप नीचे प्रेस कर दें इस वीडियो के नीचे, तो आपको हमारे वीडियो यूँ ही आपको मिल